बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। महोदय आज मैं आपका ध्यान सम्राटों के सम्राट अर्थात चक्रवर्ती सम्राट अशोक, विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय राजवंश के महान सम्राट की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। मान्यवर, अपने शासनकाल में जिन्होंने कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जन जन में अपनी लोकप्रियता हासिल की, सभी प्रकार के विकास सुनिश्चित करवाए व युद्ध से बुद्ध की ओर चलने का रास्ता दिखाया, कलिंग युद्ध में लाखों लोग की मृत्यु हुई, 1.5 लाख से ज्यादा लोग घायल हुए, कई माँ अपने बेटे को खोई, कई महिलाएं अपनी पति को खोई, कई नौनिहाल बच्चे अपने पिता को खोए, तो कहीं पर बहुत सी बहनें अपने भाइयों को खोए। उस विभत्स घटना को देख करके सम्राट अशोक का मन वहाँ पर दया और करुणा से भर जाता है और वो तय करते हैं कि वो बुद्धं शरणं गच्छामि के मार्ग पर चलेंगे और उसी के राह पर चलते हुए उन्होंने निर्णय लिया कि वह अब युद्ध से नहीं बल्कि करुणा, मैत्री, बंधुत्व और भाईचारे के माध्यम से जीतेंगे और अब वो जमीन पर नहीं बल्कि लोगों के दिल में राज्य करेंगे। भगवान बुद्ध की शरण में जाकर के उनके उपदेशों के तहत पूरे विश्व में भाईचारे का संदेश दिया। यही कारण है कि आज भी पूरे दुनिया में भगवान बुद्ध के विचार और दर्शन उतने ही व्यवहारिक है जितने 2500 वर्ष पूर्व थे। महोदय, सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व चैत मास शुक्ल अष्टमी पर हुआ था, जिसे आज अंग्रेजी माह के अनुसार 13 अप्रैल को लोग मनाते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहती हूँ कि ऐसे शासक सम्राट अशोक, जो विश्व में प्रथम शासक होने का गौरव प्राप्त हुए हैं, मैं ऐसे सम्राट अशोक की जयंती पर अवकाश की मांग करती हूँ, जिससे उनकी जयंती को धूमधाम से मनाया जा सके और जन जन तक उनके गौरवमय इतिहास का संदेश दे सके, क्योंकि आज इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी इस देश में 370 हटा करके अखंड भारत का निर्माण उन्हीं के बताए हुए राह पर चल करके किए हैं और वो इस देश को पुनः विश्व गुरु भी बनाना चाहते हैं। तो ऐसा निर्णय निश्चित तौर पर हम सबका एक कदम आगे बढ़ने की ओर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।